टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल जानकारी के साथ जुड़ें, यह लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। टेक्निकल जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी जानकारी मुफ्त। दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं, कुछ YouTube रिलेटेड जानकारी है जो कि शायद आपको नहीं मालूम होगी। दोस्तों अगर आपको मालूम है बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए दोस्तों। और अगर आप इससे कुछ भी सीख पाते हैं तो उसके कुछ सीखने की वजह से आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ हद से ज्यादा शेयर करिएगा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, यह जानकारी हम लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। और दोस्तों एक बात और जो हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह के YouTube रिलेटेड जानकारी दिया करता हूँ, YouTube अपडेट, YouTube पर वीडियो, इस तरह के कैसे YouTube पर हमेशा आपको YouTube रिलेटेड ही जानकारी दिया जाता है इस बार। और बहुत सी जानकारी और होती है जो जन सुविधा केंद्र के से भी होती है, तो आपको ऐसी भी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आप बात करने वाले हैं YouTube स्टूडियो। दोस्तों YouTube स्टूडियो क्या है, YouTube स्टूडियो का प्रयोग कैसे करते हैं, YouTube स्टूडियो से क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो इस तरह की हम आपको बहुत सारी जानकारी हैं जो कि हम आपको देंगे। लेकिन दोस्तों आप बता दें कि YouTube स्टूडियो जिन लोगों ने नहीं यूज करते हैं उनको हम बता दें, अगर आप यूज नहीं करते हैं तो भी ठीक है, बट अगर आप यूज करते हैं तो उसका आप सही से प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आप सही से प्रयोग करेंगे तो आपकी कोई भी वीडियो वायरल हो ही जाएंगी। अगर आप YouTube स्टूडियो यूज करते हैं तो उसके माध्यम से आपकी कोई भी वीडियो हो वायरल हो जाएगी। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि YouTube स्टूडियो क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको हम ले चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में और हम आपको वहां पर दिखाएंगे कि YouTube स्टूडियो क्या है। दोस्तों चलिए हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में ले चलेंगे और वहां पर दिखाते हैं कि यूट्यूब स्टूडियो के माध्यम से अपने वीडियो को वायरल कैसे करते हैं। आ चुका हूँ, अब यहाँ पर चलेंगे अपने YT स्टूडियो में चलेंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके माध्यम को इससे कैसे प्रयोग करें, इसका प्रयोग कैसे करें, इसके माध्यम से हम अपने चैनल पर व्यूज कैसे लाएं और ये कैसे क्या काम करता है इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो सभी लोग, मैं भी यही करता था लेकिन मुझे जब जानकारी हुई तो मैं भी अब इसका प्रयोग करने लगा हूँ। जैसे मेरा चैनल है, इस चैनल में जितने भी वीडियो हैं इसमें व्यूमोर पर क्लिक करेंगे, इसमें जितने भी वीडियो हैं सब मुझे देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं जितने भी वीडियो हैं सब मुझे एक एक करके आ जाएंगी और यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एक वीडियो मैंने अभी हाल फिलहाल में अपलोड किया था, जैसे ये देख सकते हैं ये मेरा वीडियो है, इसमें 98 व्यूज आए हैं, 2 कमेंट, 9 लाइक, 0 डिसलाइक। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी है सब देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो 96 व्यूज हैं और वॉच टाइम मिनट में कितना है, 73 मिनट में है। इस पर हमको व्यूमोर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर व्यूमोर पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इसमें रियल टाइम देख सकते हैं व्यूज और वॉच टाइम देख सकते हैं, व्यूज देख सकते हैं और यहाँ पर आईडी और रिटेंशन देख सकते हैं। ये थोड़ा गड़बड़ होता है, लगभग 40 के आसपास होना चाहिए लेकिन मेरा 19.3 है, तो बहुत ही गड़बड़ है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिसलाइक और लाइक देख सकते हैं, चैनल एवरेज देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, यहाँ पर मेन चीज़ आपको देखना है कि जैसे आपका जो वीडियो है वो सर्च में कब आता है, कि वो सर्च में जो है किसके माध्यम से आता है, जो सजेस्टेड वीडियो आता है वो किस में आता है, जो आपके वीडियो देखे गए हैं वो सजेस्टेड में सजेस्टेड से देखे गए हैं या सर्च करके देखे गए हैं या नोटिफिकेशन से देखे गए हैं या अदर से देखे गए हैं, ये आपको जरूर देखना। यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब सर्च, यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा ये वीडियो है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो मेरा ये वीडियो है हमसे मत पूछो, तो ये जो है वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है यूट्यूब सर्च, 40% और जो चैनल पेजेज है इसमें 27.9% है, और एक्सटर्नल में है 12.2%, नोटिफिकेशन में 6.4 और अदर में 12.8। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा है सबसे ज़्यादा है यूट्यूब सर्च में है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि ये जो है ब्राउज फीचर में गया होगा या कि हो सकता है किसी वीडियो के सजेस्टेड में गया होगा, तो ये इसके कारण से भी व्यूज आते हैं, चैनल पेजेस में आ जाता है। जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन तो जितने लोग सब्सक्राइब किए होते हैं सब्सक्राइब करने वाले के पास हो जाता है तो नोटिफिकेशन में आ जाता है। बाकी जो यूट्यूब सर्च में होता है ये तो यूट्यूब पर सर्च करके ही देखा जाता है, बट हम आपको दिखाते हैं जो मेन चीज़ है सजेस्टेड में जो वीडियो जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो वहाँ पर देखिए यही है यूट्यूब सर्च में, बाकी जो है टॉप एक्सटर्नल से और स्क्वायर में देख सकते हैं, व्हाट्सअप में
79 1.1 इसको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया गया, जो कि भी है व्हाट्सएप के लिंक से देखा गया इतना, और जीबी व्हाट्सएप के माध्यम से देखा गया 1.9। और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो मेरा आया है टॉप यूट्यूब सर्च, जो यूट्यूब पर सर्च किया गया है वो मेन चीज़ आपको देखना कि ये देख सकते हैं मैंने इतने जितने आपको दिख रहे हैं इतने टैग मैंने डाल दिया अपने अपने इस जो मैंने वीडियो अपलोड किया उस वीडियो में, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा टैग है। यहाँ पर नात लिखा हुआ है, नात 2019 लिखा हुआ, हमसे मत पूछो क्या क्या चुन लेंगे, हमसे मत पूछो क्या क्या चुन लेंगे हिटनास, ये जो है मैंने अपने जो टैग होता है टैग में इतना कुछ दिया था। तो जो टैग के माध्यम से टैग में मेरा सबसे ज़्यादा सर्च क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है नात, नात देख सकते हैं, उसके बाद नात 2019 सर्च किया गया, उसके बाद हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे कि वो सर्च किया गया है, उसके बाद फिर दूसरा जो टैग है उसमें थोड़ा डिफरेंट था बाकी वही था, इसको भी सर्च किया गया हिटनाट, हिटनाट 0.2% इतना ही सर्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए इस कंटेंट का वीडियो दोबारा अपलोड करते हैं तो ये ज़रूर डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा अगर नात है तो नात ही ज़्यादा सर्च में आ रहा है। तो यहाँ पर हमेशा जब भी वीडियो अपलोड करना है तो नात के कंटेंट से अपलोड कर देना है, नात का टैग डाल देना है, नात और नात 2019 नात शरीफ या जो नात में जो बोला जा रहा है, जो जिस प्रकार का नात है उसको लिख देना है। इस तरह कोई भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका कंटेंट देख लिए अपने अपने जो है YT स्टूडियो में, वहाँ पर देखिए, और उसी तरह के प्रत्येक दिन वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं तो उसमें जो सजेशन में आता है, जो यूट्यूब सर्च में आता है, उसको टैग जरूर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए लाइफ में मान लीजिए आप एक इस्लाम है, वो मुसलमान है, तो आपको ये जानकारी मालूम होगी कि नात शरीफ क्या है। नात शरीफ एक इस्लामिक है, तो इस्लामिक अगर आप हैं तो समझ जाएंगे। बाकी जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए आप चैनल कोई भी ओपन किए हैं तो उसमें आप नात ही प्रोवाइड करते हैं, तो जब नात प्रोवाइड करते हैं तो आपको ये मान लीजिए किसी में आप मान लीजिए आपको नहीं समझ नहीं सके, आपने भूल से ना इसमें टैग में नात डाल दिया, तो यहाँ मान लीजिए भूल से टैग में नात डाल दिया, नात डालने पर 64% आप सर्चिंग में जा रहा है, तो आपको क्या करना है अगली बार भी ऐसे ही करना है। अगर कोई भी वीडियो डालते हैं नात शरीफ तो उसको भी आप नात में सर्च कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है टॉप वीडियो सजेस्टेड दिस वीडियो, यह वीडियो जो है मेरे सजेशन में कितना जा रहा है, किस वीडियो में सजेशन में जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं विल बाय दिस प्रोडक्ट टाइप द नेम ऑफ जो कुछ भी लिखा गया, ये आप क्लिक करके हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विल बाय प्रोडक्ट दिस टाइप नेम ऑफ योर चैनल ऑन द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदें फ्री में। दोस्तों यह मेरा ही एक वीडियो है, इस वीडियो के सजेशन में गया है जो कि 100% इसके माध्यम से भी देखा गया है। और ये देख सकते हैं इसमें दोस्तों बता दें अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो मोनेटाइज अगर आपका है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, जेंडर में आप मेल देख रहा है फीमेल देख रहा है, और वो कितने से कितने एज तक देख रहा है, और कहाँ कहाँ देखा जा रहा है आपका, किस किस कंट्री में देखा जा रहा है। दोस्तों एक बात और बता दें, अगर मान लीजिए आपका इंडिया में है तो इंडिया में आपको थोड़ा डॉलर जो भी है, इंडिया में आपका हिंदी है तो इंडिया में ही देखा जाएगा, जहाँ जहाँ आप हिंदी लोग समझते हैं वहाँ वहाँ आपकी वीडियो देखेंगे। बाकी मान लीजिए आपका जाता है कुवैत में जाता है रूस में जाता है, तो वहाँ पर डॉलर की रेंज ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है वहाँ पर अर्निंग ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों क्या होता है वहाँ पर जो आपकी भाषा है हिंदी के अलावा वहाँ पर दूसरी भाषा चलती है, इस कारण से वहाँ पर जो है ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है वहाँ पर देखने। अगर वहाँ पर आपकी वीडियो किसी भी कॉन्टेंट से मिलती जुलती है और वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर देखने वाले लोग क्या करते हैं, जब आपकी वीडियो देखते हैं तो उसकी अर्निंग से उनके वीडियो देखने से आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ भी देखा, इंडिया में 4.4% देखा गया है, बाकी थोड़ा बड़ा जो है अन्य कंट्री में भी देखा जाता है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर और देख सकते हैं चैनल एवरेज देख सकते हैं और क्लिक पर कार देख सकते हैं चैनल एवरेज हमसे पूछो। इस तरह दोस्तों आपको जब कभी इसका YouTube स्टूडियो का प्रयोग करना है तो आपको यही नहीं देखना है कि मेरे तो इसमें रियल जो है व्यूज, जैसे मान लीजिए मेरा पहला वीडियो अभी पहला क्या अभी का वीडियो है जिसमें आप देखते होंगे कि बस मेरा तो रियल वीडियो रियल व्यूज 11 है 11 है और मेरे कमेंट 5 है लाइक 4 है। दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसका पूरा डिटेल देखना है ताकि इसके माध्यम से आप जो है बहुत कुछ जान जाइए कि मेरे में समस्या क्या आती है व्यूज ना आने की, या कि टैग में नहीं डालता हूँ सजेशन में क्या क्या मेरे वीडियो को सजेशन में कैसे आता है, ब्रॉच फीचर में कैसे लाएँ, ये सब जानकारी आपको इसके माध्यम से होती है। तो आप अगर YouTube स्टूडियो यूज़ करते हैं तो इसका प्रयोग करिए, ना कि आप व्यूज और सब्सक्राइबर देखें। तो इस तरह जो है अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसे डाउनलोड करिए, आपको प्ले स्टोर में आसानी से अवेलेबल है, वहाँ से जो है जाके आप इसका प्रयोग करके इसका लाभ उठाइए। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक ही करते हो तो हम लोगों के लिए सपोर्ट होता है, अगर आप लाइक करते हो तो हमारा वीडियो अच्छी रैंक में हो जाता है और हम लोगों को थोड़ा बड़ा सपोर्ट मिलता है आपके लाइक से। तो इसलिए दोस्तों आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियो प्रत्येक दिन प्राप्त करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड किया करता हूँ। वैसे आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन किसी दिन नहीं जाएगा आपका कि आपको YouTube रिलेटेड जानकारी ना दी जाए, आपको प्रत्येक दिन YouTube रिलेटेड जानकारी दी जाती है, आपको मोटिवेशन किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो बस दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपने कोई अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों हमारे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए इस वीडियो के प्रति दिल से थैंक यू सो मच।